हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा गाइस, हम लोग आज बात करेंगे अपने बिट्टू वाइटी और बाबा वाइटी के बारे में। जो मतलब कंक्लूजन चल रही है, क्या क्या सीन हो रहा है। बिट्टू वाइटी ने पहले एलिगेशन लगाया था आदि के ऊपर कि उसने उसकी आईडी स्कैम कर ली। अभी बाबा वाइटी को स्कैम लगा रहा है, मतलब उन पे इंजाम लगा रहा है कि उन्होंने बिट्टू वाइटी को स्ट्राइक दिया। तो ये सब के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड जो थर्ड हम लोग का टॉपिक है गाइज, वो हम लोग बात करेंगे मुन्ना पठान, जो कि गाइज प्लेइंग विथ हैकर हैकर के साथ खेल रहा था। कल मैंने एक सीएस रैंक गेम खेला गाइज, उसमें भाई बंदे का लेवल 79 है, बट उसके बावजूद भी बंदा हैकर के साथ खेल रहा है। और नहीं तो गाइज ये बंदा एक्शन बोल्ट के भी साथ खेलता है। तो गाइज देख सकते हो, इनको यूट्यूबर से ही हल्का फुल्का सपोर्ट मिलता है और ये यूट्यूबर के साथ भी खेलते हैं, बट इन लोग का कोई कुछ नहीं करता। हैकर के साथ खेल रहे हैं, इनकी आईडी क्यों नहीं सस्पेंड की जा रही है। मतलब ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो यार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिट्टू के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि बिट्टू ने मतलब आज से करीब एक हफ्ते पहले आदि के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि आदि ने उसकी आईडी स्कैम कर ली है। और मतलब बिना प्रूफ के उसने वीडियो में अच्छा खासा रोया गाया, बैकग्राउंड सॉन्ग लगा के मतलब उसने जो भी सिंपति लेना था आप लोगों से ले लिया। देखो गाइस, एक मैं बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी बंदा अगर आप लोग को आके मतलब बोलता है कि भाई उस बंदे ने, अज्जू भाई ने मेरी आईडी स्कैम कर ली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाइज उसकी बात नहीं सुनो या फिर उसकी वीडियो छोड़ के चले, ये मैं नहीं कहता हूँ गाइज, ठीक है। आप उसकी वीडियो देखो, और बट जिस बंदे पे उसने मतलब स्कैम का आरोप लगा रहा है, ठीक है, कि उस बंदे ने उसकी आईडी स्कैम की है, तो भाई उस बंदे की भी आप बातें समझो ना, ठीक है। दोनों साइड की बातें सुन के आप लोग डिसीजन लिया करो। और बताओ, उस दिन बस इसने बस रोना गाना गा के विदाउट एनी प्रूफ, बिट्टू आईटी ने कोई वीडियो के अंदर कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया कि आईडी ने उसकी आईडी स्कैम की है, ठीक है। और एक और बात बता दूं गाइस, ये आदि के पास भाई इतने पैसे हैं कि वो भाई क्यों उसकी आईडी स्कैम करने जाएगा। उसके पास एक हिप हॉप की आईडी है और उसके पास बहुत से पैसे हैं यार, उसको क्यों आईडी की जरूरत पड़ेगी, स्कैम करने की क्यों जरूरत पड़ेगी। और उसने ऐसा कोई भी, बिट्टू आईटी ने कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया कि उसने उसकी आईडी पास मांगा हो या फिर कोई स्क्रीनशॉट प्रूफ, मतलब कोई भी प्रूफ है ही नहीं भाई। और बहुत से बंदे बोल रहे हो कि भाई वो आदि की आईडी हिप हॉप वाली भी आईडी स्कैम वाली है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब जरूरत पड़ेगी ना आप लोगों को, भाई जिस बंदे देवराज भाई का जो आईडी है उनके पास आधार कार्ड का फोटो कॉपी, मतलब जिस जिससे आईडी वो लिंक है, सब कुछ आपको प्रूफ मिल जाएगा। बट छोड़ो, ये टॉपिक नहीं है हम लोग का, जो टॉपिक था बिट्टू वाइटी। तो गाइज यार देखो, वो बंदा इतना फ्रॉड है गाइज, मतलब वो अपने चैनल ग्रो करने के लिए वो बहुत बंद से मतलब एलिगेशन लगा रहा। अभी देखो, आदि के ऊपर उसने वीडियो बनाया कि आदि ने उसकी आईडी स्कैम की, फिर आदि ने धमकी दिया कि भाई मैं पुलिस कंप्लेन वगैरह वगैरह साइबर क्राइम कर दूंगा, तो भाई बंदा डर गया। उसके बाद फिर उसने आके कबूल किया, वीडियो में आके सॉरी भी बोला। तो देखो गाइस, इससे क्या आप लोग का टाइम बर्बाद हुआ ना, उसको अपना चैनल ग्रो करना है, उसने अपना चैनल ग्रो कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने एक वीडियो बना के छोड़ दिया कि सॉरी आदी टेक ऐसे वैसे करके, आपको शायद उससे चैनल पे मिले या फिर ना मिले, बट उसने वीडियो डाला था। अगर आप लोग उसके सब्सक्राइबर हो, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। अभी हम लोग बात करेंगे अपने बाबा भाई के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, एक या दो दिन पहले मतलब मेरे को सुनने में आया कि फिर से बिट्टू ने एलिगेशन लगाया बाबा भाई के ऊपर कि बाबा भाई ने उसके चैनल पे स्ट्राइक मारा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक वाली जो बातें हैं ना गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको एक मतलब पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जो बाबा भाई ने पूरे अच्छे से क्लियर किया। आप लोग जाके उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। बाबा भाई ने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया कि इसने कोई स्ट्राइक, मतलब बाबा जी ने कोई स्ट्राइक नहीं मारा है, इसने खुद अपने ही चैनल पे इसने खुद स्ट्राइक मारा। तो बाबा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक और प्रूफ देने वाला हूँ कि मतलब ये बिट्टू वाइटी जो है ये अपना बस चैनल ग्रो करने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी उसकी वीडियो में आप लोग देखोगे, मतलब उसने अपना टाइटल रखा है आई डिलीट माय यूट्यूब चैनल अकाउंट, ऐसे वैसे करके माय लास्ट वीडियो, मतलब आपको ऐसे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे उसके चैनल पर गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। मतलब वो बस बंदा अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, ठीक है। वो रो धो के मतलब आपके सामने आके बस यही करना चाहता है। और भाई रही बात यार आदि और बाबा
बाबा जी का। भाई ये लोग कितना अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, मतलब कोई फालतू वीडियो नहीं, आप लोग को इन्जॉय के लिए बनाते हैं भाई। आप लोग बाबा जी का वीडियो या फिर आदि या फिर मेरा, मतलब किसी का भी वीडियो देखो भाई, हम लोग कोई भी मतलब किसी को गाली देना या फिर ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। जब जरूरत पड़े, जब बंदा जो हम लोग को बोलता है तभी हम लोग बनाते हैं, नहीं तो भाई हम लोग की वीडियो में भाई बहुत अच्छा कॉमेडी रहता है भाई। आप लोग जो देख देख के हंसते हो, तो भाई लोग हम लोग क्यों यार ऐसा क्यों करेंगे। और भाई अगर रहता ना, अगर बिट्टू आईटी से इतना ही जलन रहता ना, तो आदि और बाबा जी के पास अभी मतलब इतना पावर था ना उस टाइम कि उसका चैनल पे स्ट्राइक मार के ना उसके चैनल को डिलीट कर सकते थे। बट बाबा और आदि भाई ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाई वो जानते हैं भाई ग्रैंड मास्टर पुश किया प्लस बंदे ने मेहनत किया, तो नहीं चैनल स्ट्राइक मारते भाई। किसी का बुरा करके क्या फ़ायदा, छोड़ दो भाई। मानता हूँ मतलब उसने चैनल कंट्रोवर्सी आदि को बदनाम करके किया, बट आदि ने उसको वार्न कर दिया कि भाई अगर आप इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी वीडियो बनाया या फिर ऐसा कोई भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगा तो मैं डायरेक्ट स्ट्राइक मारूंगा और पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो भाई इसके चलते फिर बिट्टू ने मतलब वो वीडियो का बनाया था, सॉरी आदि टैग ऐसे वैसे करके उसने बहुत से वीडियो बनाए थे। तो भाई देख सकते हो बिट्टू आईटी बहुत ही ज़्यादा घटिया और मतलब बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। तो भाई उसकी बातें नहीं सुना करो, उसके अगर चैनल को अगर देख रहे हो तो अनसब्सक्राइब मार के यार हटाओ यार उसको, उसकी बातें सुनो ही मत। तो अभी हम लोग बात करेंगे गाइस, जो हम लोग का थर्ड टॉपिक था मुन्ना पठान। तो गाइस सीन ये होता है, रात को हम लोग खेलते हैं और मतलब वो बंदा सीएस रैंक में भाई हैकर के साथ वो गेम प्ले कर रहा है, हैकर के साथ वो रीजन पुश कर रहा है। तो भाई मैं इसका भी पूरा फुल प्रूफ दूंगा। देखो भाई मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता, तो मैं अभी चलो यार आप लोग को ये गेम प्ले दिखाता हूँ। तो भाई लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं सीएस रैंक खेल रहा था, वो भी बाबा जी की आईडी से और मेरी आईडी से राकेश भाई खेल रहे थे। तो गाइज आपको यहाँ पे ये देख रहा होगा धोती कुर्ता पहने हुए ये बंदा बंदर सा, देख रहे हो गाइज ये हैकर है, यही हैकर है और इसके टीम में मुन्ना पठान भी खेल रहा है। मैं आपको वीडियो को पूरा लास्ट में अच्छे से प्रूफ सब कुछ दे दूंगा, ठीक है गाइज। अभी देख सकते हो ये रहा गाइज, ये रहा मुन्ना पठान और ये रहा इसके बगल में ये हैकर, ये जो धोती कुर्ता जो भी पहना है नंगा सा, गाइज ये हैकर है और इसके साथ मुन्ना पठान सीएस रैंक में पुश कर रहा है, ठीक है। सीएस रैंक में भी रीजन होता है गाइज, जो मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपना नाम भी बना सकते हो। देख सकते हो गाइज मुन्ना पठान वहाँ पे नॉक कर दिया मेरे टीममेट्स ने। तो गाइज ये हैकर के साथ पुश कर रहा है, मतलब इतने 79 लेवल का बंदा है और वो भी भाई यूट्यूबर के गिल्ड में, ठीक है। पता नहीं कौन सा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कौन से किसके कौन से यूट्यूबर के गिल्ड में। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखो इनको यूट्यूबर भी यार सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अगर इनको मालूम है कि भाई बंदा इनका गिल्ड वाला बंदा हैकर के साथ पुश कर रहा है, तो भाई किक मारो ना इनको, हटाओ। हाँ टोंडे गेमर के गिल्ड में बताओ भाई, टोंडे गेमर खुद एक ग्लोबल प्लेयर है, ग्लोबल में पुश करता है, मतलब ग्रैंड मास्टर पुश करता है भाई, बताओ यार उसके टीममेट्स वाले। और ये मुन्ना पठान उनके साथ खेलता है, ये एक्शन बोल्ट के साथ खेलता है, मतलब अच्छे अच्छे यूट्यूबर अच्छे अच्छे प्लेयर लोग के साथ खेलता है, बताओ उनके साथ खेलता है। मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइज उन लोग भी खेलते हैं, क्योंकि एक्शन बोल्ट भी रीजन ग्लोबल पुश करता है। देख सकते हो वो रहा हैकर गाइज, मतलब उसको गोली भी नहीं पड़ रही, इतना जल्दी वो वहाँ पर आ गया इतना जल्दी। तो मतलब यार इनका कुछ नहीं कर सकते भाई, बस हम लोग इनके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, बाकी तो हम लोग के हाथों में कुछ नहीं है। तो आप लोग के हाथों में आप लोग कर सकते हो, आप लोग वीडियो को शेयर मारो यार दोस्तों में, जितना हो सके वीडियो को पहुंचाओ, जितना हो सके भाई उतना करो। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी आप लोग थोड़ा सा और गेम प्ले देख लो कि आप लोग को प्रूफ हो जाए कि हाँ ये बंदा हैकर ही है। मतलब इन लोग के सामने कुछ टिक ही नहीं पा रहे थे भाई, वो बंदा इधर उधर चारों तरफ से पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब मार रहा था। अभी देखना, अभी यहाँ पे जैसे ही स्टार्टिंग होगा ओम का, ओम ऐसे चलाता है जैसे AK-47 जैसे एकदम तड़ातड़ ओम का बुलेट निकाल रहा था। अभी देखना गाइस यहाँ पे सीन क्या होता है, मतलब हम लोग थोड़ा सा गन लेके खरीद के निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो वो रहा हैकर, देखो कितनी जल्दी भाई अभी स्टार्ट ही हुआ तुरंत, वो देखो ओम इतना तेज चला रहा था, अभी देखो टेलीपोर्ट मार के इधर आ जाएगा मेरे सामने। तो इनका कुछ, देखो इतना जल्दी वो मेरे पीछे आ गया भाई, इनका कुछ नहीं कर सकते ये, बस हैकर। देखो ये रहा हैकर गाइस, यही हैकर है, देखो ये मेरे मजे भी ले रहा है, इमोट भी दिखाएंगे। और ओम इतना जल्दी, देखो कितना जल्दी भाग गया, ये रहा मुन्ना पठान, मतलब इतना जल्दी इन लोग, मतलब देख लो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये इतना गंदा इमोट दिखाया था ना मेरे को, सबके सब आके इमोट दिखाएंगे। ये रहा हैकर, वो बंदर जो बन के आया था ना, ये ओम पकड़ा है हाथ में, यही हैकर है गाइस। और इतना फास्ट इसका मतलब वो हैकर चला रहा, देखो गुलवाल के पीछे से मार रहा है, गुलवाल के पीछे से मार रहा है बताओ, और इतना गंदा टेलीपोर्ट करके मार रहा है, इनको कुछ नहीं कर सकते। ये रहा मुन्ना, वो उधर जो मुन्ना पठान था वही खेल रहा है हैकर के साथ। तो भाई इतने ऐसे ऐसे इंडिया के इतने मतलब नामी जामी बंदे भाई हैकर के साथ खेलेंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता।
हो सकता है यही अगर इनका चैनल हो तो जाके अनसब्सक्राइब मारो, स्ट्रीम पे जाके किसी के बोलो एक्शन बोल्ड के साथ इन लोग खेलते हैं तो कम से कम उनको हटाए यार, अगर उन लोग भी कुछ कर सकते हैं तो कर, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला। ये गरीना फ्री फायर ये साला चूतिया है, जब एक हैकर को बैन नहीं कर सकते तो गाइस कुछ नहीं होने वाला ये अपने गेम को। तो ऐसे ही आप लोग गेम खेलो, हैकर आ रहा है तो आप लोग को मार के जाएंगे, आप लोग का रैंक माइनस लगेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं आप लोग को गेम प्ले यहाँ से पूरा कट कर दूंगा, अभी मैं आपको भी प्रूफ दिखाता हूँ मुन्ना पठान का, आईडी इंस्पेक्ट मार के आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग का मतलब मैच खत्म हो गया है, मैं मैच जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं पे अपना वीडियो कट कर दिया। अब गाइस देखो मेरे रिसेंट में कौन कौन आएगा मैं आप लोग को पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो मैंने रिसेंट खोला, रिसेंट में देख सकते हो गाइस मुन्ना पठान पहले नंबर 79 लेवल का बंदा भाई, 79 लेवल, और वो भी टोंडे गेमर की गिल्ड में, बताओ। तो भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, जो मेरे को प्रूफ दिखाना था भाई मैं बिना प्रूफ के कुछ बात नहीं कर सकता। तो गाइज आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ हो सके दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।